दोस्तों आज का ये वीडियो एनडीए एग्जाम से रिलेटेड Q&A वीडियो होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। जैसे कि एनडीए का पेपर किस लैंग्वेज में होता है, यानी कि एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है ये आप किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, किस भाषा में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्या 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। एनडीए का जो इंटरव्यू होता है ये किस लैंग्वेज में होता है, यानी किस भाषा में एनडीए का इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। क्या गर्ल्स एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। एनडीए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में दो बार कंडक्ट कराती है, यानी कि वन ईयर में टू टाइम्स एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए एग्जाम के थ्रू आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर वन, एनडीए का पेपर किस लैंग्वेज में होता है। तो आपको बता दें एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, एनडीए का जो रिटन पेपर होता है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्या 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यस, एनडीए एग्जाम के लिए 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है क्या 11th अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है, इसका आंसर है नहीं। 11th अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं एनडीए के लिए, बट 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वे स्टूडेंट जो 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, 12th की बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, एनडीए का इंटरव्यू यानी कि जो SSB इंटरव्यू होता है ये किस भाषा में होता है, किस लैंग्वेज में होता है। तो SSB इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में कराया जाता है। अधिकतर चीज़ें आपको इंग्लिश में ही बतानी होती हैं। अगर आप कहीं पर अटक जा रहे हैं उस स्थिति में आप हिंदी यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही बतानी होती हैं। और ऑफिसर्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी कि जो निर्देश देते हैं वो भी इंग्लिश में ही देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अच्छे तरीके से सीखिए इंग्लिश और उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आप अपने इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छे स्कोर कर पाएँ अपने इंटरव्यू में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उस पर काम कीजिए, इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखिए, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गर्ल्स एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है जी नहीं। एनडीए एग्ज़ाम के लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूरी है कि मेल कैंडिडेट वो अनमैरिड हो। गर्ल्स एलिजिबल नहीं है, एनडीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाया होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और करियर कोर्सेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।